जब हौसला हो कुछ करने का तो फिर उम्र आड़े नहीं आती। 79 साल बुजुर्ग ने कड़ाते नौजवाना दे वट। 62 साल की उम्र मैंने दौड़ना शुरू किया था, दोबारा फिर रूटीन बनाई है। क्रिकेटर विराट कोहली भी कर देने फॉलो। विराट कोहली इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। दो वीडियो मेरे उन्होंने शेयर किए थे स्टोरी में और फॉलो किया, वो शेयर किया था, फॉलो भी कर लिया। फिर अनुष्का शर्मा ने भी किया। अच्छा। प्रिंस नूडा हैं जो रोडीज वाले, उन्होंने भी फॉलो किया। बिना जिम तो बिना कोच तो बने फिटनेस गुरु। ये त्रिपल सिंह जी ने यहाँ पर आप देखिए जो आपको लेटेस्ट जो वर्कआउट करने की चीजें हैं, टायर आप देखिए, आप डंबल देखिए, ये देखिए टायर, रस्सा और मुदगर और डंबल, हैवी वेट, चेस्ट, आर्म, सब कुछ आपको मैट मिलेगी यहाँ पे हर एक। बुजुर्ग दी तंदुरुस्ती देख हो जाओगे हैरान। असल में हम जब सोच लेते हैं कि हम बुजुर्ग हो गए, बस वही काम हमारे लिए खराब होता है। बर्पी पुशअप का रिकॉर्ड है 584 का, 584 पुश एक ही बार में पुशअप कर रहे हैं। कहते हैं कि जब हौसला हो कुछ करने का तो फिर उम्र आड़े नहीं आती, बस काम आता है तो जज्बा और करने की चाहत। मैं आज आपको एक ऐसे फिटनेस फ्रीक शख्स से मिलवाऊंगा जिसने अपनी उम्र के सामने युवाओं को भी पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, और एक ऐसे इंसान उनको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे जिसकी दुनिया दीवानी है, वो मैं आपको बीच में बताऊंगा, अभी सस्पेंस रखा जाएगा। लेकिन इतना बता देता हूं कि वो शख्स भारतीय क्रिकेट का एक बहुत बड़ा सितारा है जिसकी दुनिया दीवानी है, लेकिन वो शख्स हमारे त्रिपत सिंह जी को इंस्टा पे फॉलो करते हैं। जी हाँ, ये हैं त्रिपत सिंह जी, 80 साल के होने वाले हैं लेकिन ये हैं फिटनेस फ्रीक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप वाकई वाकई आपकी फिटनेस देख के मजा आ रहा है। सर प्रभु की कृपा, आप लोगों की दुआएं आशीर्वाद है। अच्छा त्रिपत जी, ये बताइए, मैं जिस पार्क में खड़ा हूँ ये आपकी लाइफ का रूटीन पार्क है, एक यहाँ पे आप सुबह आते हैं और आप एक्सरसाइज कसरत खुद भी करते हैं, युवाओं को भी कराते हैं, ये आपको कब से शुरुआत आपने की? ये असल में जब ये लॉकडाउन लगा था जी, तो सारी चीजें तो बंद थी, जिम भी बंद थे सब चीज, और एक्सरसाइज का एक बार जिसको चस्का लग गया, जिसको एक बार डिसिप्लिन बन गया, तो उसके बिना रहता नहीं है। अच्छा। तो मेरे को समझ नहीं आया भी मैं क्या करूं, जब तक तो बिल्कुल अलाउड नहीं था बाहर आना जी, तब तो घर में वो सिलेंडर के साथ सीढ़ियों के साथ जो जो समझ में आया करते रहे। अच्छा। फिर पार्क में अलाउ कर दिया था लोगों को आने के लिए जी, तो मैं यहाँ आया इसी पार्क में, तो ये दो चार छोटे इक्विपमेंट लगे हुए थे सरकारी जी, तो उनको उसके साथ क्या क्या मैं कर सकता था वहां मैंने शुरुआत की थोड़ी सी। अच्छा, इसी में जी। हाँ जी, हाँ जी, जी। तो दो एक दिन तो मैं अकेला करता रहा, फिर एक लड़की थी देहरादून की, वो भी यहाँ फंसी हुई थी तब उन दिनों में। अच्छा। दीपिका, उनका नाम भी, अंकल मैं भी आपके साथ कर लिया करूँ, तुम भी कर लो, तो वो शुरू हुई। वो करते करते एक डॉक्टर गरेवाल थे, वो शुरू हुए, फिर वो मजमा कहते एक से एक कड़ी जुड़ती गई, तो अच्छी खासी रौनक हो गई। अच्छा, फिर एक चीज मुझे ये जाननी है, हमने काफी बुजुर्ग भी देखे हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, रूटीन करते हैं, आप करते हैं वर्कआउट, हैवी वर्कआउट जिसमें डंबल भी हैं, जिसमें मुदगर भी है। और आपको मैं बता दूं जिस पार्क में खड़े हैं ये मोहाली का एक कारगिल पार्क है, और ये जो आप मेरे दाहिने साइड देख रहे हैं ये एक शेड है, लेकिन ये शेड है क्या पार्क में? ये कोई वाटर वर्क्स या कोई और शेड नहीं है, इसमें ही रखा है फिटनेस का सामान। त्रिपत सिंह जी और उनकी टीम यहाँ पर आती है, पहले मैं इस शेड का भी हम लोग विजिट करेंगे, तो आपको दिखाता हूं मैं कि देखिए 80 साल के होने वाले हैं 2 फरवरी को, और पिछले मैं अगर कहूं कि 62 साल की उम्र से आपने शुरू किया था। हाँ जी, हाँ जी, 62 साल की उम्र मैंने दौड़ना शुरू किया था, दोबारा फिर रूटीन बनाई है। अच्छा, दोबारा में। और इस शेड में आपको मिलेगा ना हर एक्सरसाइज का सामान मिलेगा, तो आप देखिए पहले झलक। ये त्रिपत सिंह जी ने यहां पर आप देखिए जो आपको लेटेस्ट जो वर्कआउट करने की चीजें हैं, टायर आप देखिए, आप डंबल देखिए, ये देखिए टायर, रस्सा और मुदगर और डंबल, हैवी वेट, चेस्ट, आर्म, सब कुछ आपको मैट मिलेगी यहाँ पे हर एक
तरीके का फिटनेस का सामान। तो ये पूरा सामान लायक चाहिए था वो सारा है, ये आपने खुद अपने आप खुद ही इकट्ठा किया जी। फिर बाद में एक सिलसिला जब शुरू हुआ, हाँ जी, तो यहाँ शुरू हुआ तो पहले थोड़े से लोग आ रहे थे, करते करते लगातार भीड़ लगने लगी तो सारों का अंदर जोश भी आया भी करें। अच्छा, मुदगर कितने किलो का है जो आपके पीछे मुझे नजर आ रहा है? 10 किलो का भी है, 12 किलो का भी है। अच्छा, हाँ वो 10 केजी का था। अच्छा, 10 केजी का था वो। फिर क्या हुआ, जब शुरू किया ये काम तो यहाँ एक ही प्रॉब्लम थी, जो सामान को बार बार स्कूटर पे या गाड़ी पे लेके आना पड़ता था, लेके जाना पड़ता था। फिर यहाँ जो कॉरपोरेशन वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें परमिशन दी कि आप छोटा सा बना लो पहले। फिर पहले छोटा सा ही बनाया था, फिर लगाया। उन्होंने देखा भी ये लोग सीरियस हैं, कोई ऐसा नहीं कोई यहाँ पे कोई शराब पीने नहीं आते, तमाशा करने नहीं आते। उन्होंने कहा आप बड़ा कर लो, कोई बात नहीं। तो ये फिर बनता चला गया। देखिए कि पार्क के अंदर एक प्रॉपर इनको परमिशन दी गई कि ये फिटनेस का सामान रखिए। बुजुर्ग ज्यादा आते हैं जो मतलब खासतौर पर, ऐसे बहुत से लोग अगर सुबह कभी आए तो आप देखेंगे किसी की पीठ दर्द थी, किसी का कुब निकला हुआ था, वो काफी आदमी लोग ठीक हुए हैं। ठीक हुए हैं तो उनको भी जोश आता है। हमें भी खुद ट्रेनिंग कराते हैं। मैंने उसका कोर्स किया हुआ वगैरह, डिप्लोमा किया हुआ है इसमें, पर्सनल ट्रेनिंग का। और लास्ट बदलिए पिछले 5-6 साल से ट्रेनिंग दी है सारी। अच्छा, तो इस उम्र में भी पढ़ने का शौक हो गया था। देखिए ये होती है कि कुछ कर गुजरने का जज्बे की जो हम बात कर रहे थे, बार बार याद करा दूं, उम्र 80 साल के होने वाले हैं। क्यों बार बार कह रहा हूं कि जो यंगस्टर या हम जैसे कई बार कहते हैं कि छोड़ो क्या करने, एक्सरसाइज जिम क्या है या फिटनेस क्या है, आप जो भी करना चाहें, लेकिन त्रिपत सिंह जी ने उम्र को पीछे छोड़ दिया। और अब बताता हूं मैं जो सस्पेंस हम कर रहे थे कि देखिये कब हाईलाइट हुए। त्रिपत सिंह जी को कोई और नहीं, भारतीय क्रिकेट का बहुत बड़ा सितारा विराट कोहली फॉलो करता है। फिर से बता रहा हूं, विराट कोहली इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। एक मिलियन से ज्यादा इनके खुद के फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। और इनकी फिटनेस के वीडियो जो वायरल हुए तब इनको पता चला कि विराट कोहली ने फॉलो। ये कब की बात है, कब आपको पता चला? हो गए 4 साल हो गए। अच्छा, लगातार चल रहा है। नहीं, आपको कैसे पता लगा कि विराट ने आपको फॉलो? मेरा एकदम, क्योंकि 1200-1300 फॉलोअर थे, एकदम ही फॉलोअर एकदम, जैसे ना पीठ से फेंकने शुरू होते हैं लोग, ऐसा लगा भी सवेरे 1100 से शाम तक 7-8 हजार हो गया। अच्छा, अगले दिन 12-14-15-16 हजार हो गया। 4 साल पहले की बात है। एकदम हैरान हुआ ऐसा क्या हुआ। और फिर एकदम मैंने नजर दौड़ाई उसमें सारे लिस्ट में, तो वहाँ उन्होंने मेरी 2 स्टोरी शेयर कर रखी थी विराट जी ने, आपकी जो वीडियो वायरल हो रही है। उसमें 2 वीडियो मेरे उन्होंने शेयर किए थे स्टोरी में और फॉलो किया, और शेयर किया था, फॉलो भी कर लिया। फिर अनुष्का शर्मा ने भी किया। अच्छा, फिर प्रिंस नूडला है जो रोडीज वाले, उन्होंने भी फॉलो किया। अच्छा, सुमित कंग जो पंजाबी फिल्मों के वो भी फॉलो कर रहे हैं। इस तरह बहुत से लोग जुड़ते चले, जीत रामा WWE वाले वो भी आए। तो देखिए कितने ने फॉलो किया, विराट कोहली ने जब शेयर किया तो धड़ाधड़ इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई और ये वीडियो शेयर करते थे। विराट कोहली से आप मिले भी थे आईपीएल? वो नागपुर में जब पीछे आईपीएल हुआ था तो वहाँ पर वो वेलमन वालों ने हमें बुलाया था, उनको भी हमें भी। अच्छा, तो हमने वर्कआउट भी इकट्ठा किया है वो वीडियो, क्योंकि वेलमन के पास है वो अपनी मर्जी से जब लगाएंगे। कुछ बात हुई होगी हल्का हाई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बहुत उसमें बड़े इनकरेजिंग इंसान है। क्या कहा था विराट? उन्होंने कहा भी मैं तो आपको फॉलो करता ही हूँ, तो मैंने आपकी स्टोरी की थी, तो मैं थैंक यू सो मच, और तो बात हो नहीं सकती। तो एक चीज और है, जो एक ब्रांड है उसे विराट कोहली इंडोर्स करते हैं, उसी ब्रांड को त्रिपत जी भी इंडोर्स करते हैं। ठीक है, 2 तरह के प्रोडक्ट हैं उनका, एक जनरल प्रोडक्ट है, एक 70+ के लिए प्रोडक्ट बना रखा उसके लिए आप इंडोर्स करते हो, उसके लिए उन्होंने मेरे को। देखिए फिटनेस फ्रीक है और ब्रांड एम्बेसडर भी है, कई इनको कंपनियां प्रमोट करती रहती है, इनको एंडोर्स करती रहती है, काफी लोग हैं। तो त्रिपत जी एक चीज और बताइए कि जब आप कई शोज में भी गए हैं अपनी फिटनेस दिखाने, हमने देखा है ना आपको बॉम्बे बुलाया जाता है, करना जाता है, फाइनली कैसा लगता है कि कितना रुझान आपको लगा कि युवाओं कहीं इंस्पायर हुए होंगे आपसे कि यार आपकी वीडियो देखी मैं शुरू कर रहा हूं? ऐसा होता है ना, लोग सोचते हैं इस उम्र में ये कर रहा है तो हमें क्या मौत पड़ी है, हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो जोश तो आता ही है। तो यहाँ भी हमारे पास जो लोग थे, जो बुजुर्ग थे, जो बिल्कुल पहले हाथ लगाने से भी डरते थे, उन्होंने देख लिया भी ये 70-78 साल का बंदा शुरू कर रहा है तो हम भी लगे। तो आप काफी लोग सवेरे आप आएंगे तो आपको ज्यादातर बुजुर्ग मिलेंगे हमारे पास। अच्छा, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं सभी। हालांकि आजकल बहुत ठंड है, थोड़े कम लोग आते हैं। विराट कोहली ने पूछा नहीं कि त्रिपत जी आप इतनी एज में कैसे कर लेते हो? नहीं ऐसा नहीं, देखो ये तो सन, उनको पता है सन की आदमी होते हैं ऐसे लोग। अगर आपके मन में कोई ठान लिया आप तो ऐसा कुछ रुकावट नहीं होती। अच्छा, असल में हम जब सोच लेते हैं कि हम बुजुर्ग हो गए, बस वही काम हमारे लिए खराब होता है। असल में कुछ न कुछ हमें आगे की प्लान बनाए रखनी चाहिए,
आप प्लान बनाते हैं, एक प्लान आप पूरा करते हैं, उसके साथ ही नया टीचर, नया एम, नया गोल आपके अंदर हो, तभी आप अग्रसर रहेंगे अपने मंजिल की ओर जाने के लिए। अदरवाइज तो फिर यही होता है, अब बच्चे ब्यालिए हैं, घर बन गया, अब क्या करना है, बैठ जाओ, जब बैठ जाओ आप बैठ गए तो शरीर भी बैठ जाएगा, तो तब बुजुर्गी शुरू होती है। तब अपने टेस्ट वगैरह कराते रहते रेगुलर? और मेरे को टेस्ट कभी कुछ फील ही नहीं हुआ, ऐसी प्रभु की कृपा हुई है। जब से पहले मेरे को अच्छा। थोड़ी बैक की थी प्रॉब्लम, थी इश्यू थे छोटे मोटे, स्टमक भी बहुत बढ़ गया था वो, लेकिन वो जब ठीक हुआ तो कुछ चीज रही नहीं। अच्छा। कोई बीपी, कोई शुगर? नो शुगर नो बीपी, नथिंग एल्स। कोई फीवर कभी कुछ? कोई फीवर नहीं, कोई पेट दर्द नहीं, कुछ नहीं ऐसा। नहीं कभी टेस्ट कराते हैं वैसे? मैं कहा जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। अच्छा, कराते ही नहीं है? ऐसा चूंकि दीदी में कभी हल्का सा सिर दर्द हो या कुछ हो हमें, क्योंकि इससे हम जुड़े हैं तो हमें पता होता है, क्योंकि जब मैंने कोर्स किया था मसल को, बॉडी को पूरा समझे, एनाटॉमी पूरी समझे, तो जो जो चीजें हम अपने लेवल पे ठीक कर सकते थे अपनी नहीं ठीक की, बल्कि औरों की भी ठीक। ऐसे बहुत से लोग, इवन बड़ी बात होगी, मेडिकल को चैलेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक बड़ा सिस्टम है इनका भी। हमारे पास दो केसेस, मैं आपको नाम रेफरेंस भी दे सकता हूँ, ऐसे लोग थे जिनको ये बोल दिया गया था 90% हार्ट की ब्लॉकेज है। अच्छा। इनको इमीडिएटली एक आध दिन में ऑपरेशन नहीं कराया तो डेथ भी हो सकती है। हमने यहाँ सिर्फ एक्सरसाइज के साथ ही इनके वो ब्लॉकेज को क्लियर करके दिखाया, अब वो आज तक बिल्कुल प्रूफ के साथ मेरे पास हमारे पास। आजकल ये भी देखा जा रहा है ना कि जो ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं वो हार्ट अटैक्स के चेसेस आ रहे हैं, यंग केसेस काफी आ रहे हैं। वो क्यों हुए? एक्चुअली ये कोरोना के बाद कुछ चीजें ऐसे इश्यू ज्यादा आए थे, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी को समझे बिना ही। दूसरा क्या है, देखा देखी भी बॉडी जल्दी बनानी है, दो महीने में तीन, ऐसे लोग आते हैं हमारे पास भी आते हैं, कोई ऐसा कोई ऐसी कोई एक्सरसाइज बताओ, ऐसा कोई खान डाइट बताओ, तीन महीने के अंदर मेरी शादी हो रही है तब तक मेरे डोले बन जाने चाहिए, मेरी चेस्ट ऐसी हो जानी चाहिए। तो बेसिकली वो ऐसी चीजों पे डाल देते हैं, क्योंकि जब आप डिमांड ऐसी करोगे तो वो फिर स्टीरॉयड और इस तरह की चीजें के चक्कर में पड़ जाते हैं, उस वजह से शरीर को नुकसान होता है। बिल्कुल। और आप सुबह कितने बजे आ जाते हैं यहाँ पे? हम यहाँ 5:30 बजे आते हैं, आजकल सर्दी है 6 बजे शुरू है, लेकिन 5:30 शुरू होता है गर्मी में सुबह। हाँ जी, 5:30 से 8:30 बजे तक हम यही होते हैं। सर्दी में भी? सर्दी में आजकल 6 बजे से। और शाम को भी करते हैं सुबह? नहीं, एक ही बार में पूरा काम होता है। फिर से विराट कोहली पे आऊंगा, जब आपने दोनों ने वहाँ पे एक ब्रांड के लिए एक्सरसाइज लगाई सामने, आपको लगा कि एक ऐसा सितारा जिसने आपको फॉलो किया आपकी फिटनेस को देख के, कहीं ना कहीं लाखों लोग इंस्पायर हुए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल हुए जी, उनकी उनकी वजह से ही मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े। मलका दुआ भी उसी वजह से जुड़ी, मलका दुआ जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, जानते होंगे वो भी आए, फिर एक से एक जुड़ता चला गया। जब लोग पहचानते हैं बाहर एकदम से, कह रहे तो वही सरदार जी हमने देखे, पहचानते हैं बिल्कुल पहचानते हैं। असल में जब मैं इंडियन आइडल में आया, हुनरबाज देश की शान में आया, तब भी लोगों को ज्यादा मेरे बारे में पता लगा। वो कहता वो 70 kg का टायर पीठ पे रख के पुशअप लगाने थे तो यंग बंदे भी घबरा जाते हैं। आप नॉर्मल कितने हैवी वेट यूज कर लेते हो, कितने किलो तक चले जाते हो? नहीं, जो पीठ पे वजन रख के जो किया वो तो टायर ही सबसे ज्यादा हमने किया है। अच्छा। अदरवाइज तो मेरा बर्पी पुशअप का रिकॉर्ड है 584 का, 584 एक ही बार में पुशअप लगाए, 584। हाँ, उसके मेरे पास पूरी ट्रॉफी तरह पड़ी है सारी। तो उसके लिए कोई खास तैयारी करते हो आप? नहीं, खास तैयारी नहीं, वो जब शुरू हो गए थे तो स्टेमिना बढ़ता चला गया। अच्छा। तो उसको रोका नहीं ना हमने। अच्छा। वो चलते चले गए कितना। तो अभी रूटीन में आप पुशअप लगाते? 100-200 पुशअप तो हम ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 बार लगाते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये होती है फिटनेस, 100-200 पुशअप। उम्र है इनकी 80 होने वाली है और विराट कोहली इनको इनके फैन है, फॉलो करते हैं विराट कोहली। सोचिए उनके कितने मिलियनर्स उनके फॉलोअर्स हैं और वो त्रिपद जी को फॉलो करते हैं, कई शोज में जा चुके हैं, फिटनेस फ्रीक हैं। सबसे बड़ा ब्रांड है वो। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो खास मुलाकात इनसे थी, कितने लोगों को इंस्पायर करते हैं। इसी पार्क में देखिए सामान रखा है फिटनेस को लेके काफी है, कभी कोई फीस नहीं, यहाँ पर किसी को एक पैसा भी नहीं दिया जाता। हाँ, फ्री में बिल्कुल। और मकसद एक है कि खुद तंदुरुस्त रहना और दूसरों को, सोसाइटी को भी तंदुरुस्त रखना। एग्जाम्पल सेट किया हुआ है कि जब तक जीना है इसी तरह से जीना है, इस तरह ही शान से जीना है, सेहत तंदुरुस्त रहे। और बाकी देखिए 80 साल के होने वाले हैं, लगता है कि 65 साल की उम्र की है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्र तक चलती रहेगी जी। बिल्कुल, आपका भी शुक्रिया। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? जिंदगी खुशी से काटो, जिंदगी को मुसीबत मत बनाओ, जितना आप दिल खुल के जिएंगे उतना एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे त्रिपद सिंह, विराट कोहली, इनको फॉलो करते बार बार कहना पड़ रहा है भाई, अगर किसी को फॉलो करते कुछ तो खास होगा। और फिटनेस फ्रीक है, देखिए 80 साल की उम्र होने वाली है,
संदेश दे दिया है कि निकलिए, जितना हो सके एक्सरसाइज करिए, शरीर को तंदुरुस्त रखिए। वीडियो जर्नलिस्ट सनम के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 मोहाली।